नमस्कार दोस्तों। तो आज हम नवंबर और एंड और दिसंबर फर्स्ट वीक, तो ये देखिए जी आपका सर्दियों टाइम मनाली का मौसम, तो ये देखिए जी पहाड़ों का व्यू। ये आपका लगभग 7 नवंबर को जो मनाली में स्नोफॉल हुआ था और उसके बाद थोड़ा थोड़ा होता रहा, तो ये आपका बुरुआ विलेज जो सामने दिख रहा है और जो सामने पहाड़ियाँ दिख रही है ये आपका सोलांग वैली है। तो अभी हम सोलांग वैली को जाते हुए, तो आज 29 नवंबर है, तो 29 नवंबर को हम सोलांग वैली जाते हुए, तो आज मौसम बिल्कुल साफ है। तो ये देखिए जो भी यहाँ मनाली के जो पहाड़ है, ये आपका जो गांव और इसके ऊपर पहाड़, ये बुरुआ गांव है जो मनाली मॉल रोड से 6 किलोमीटर आगे है और सोलांग वैली यहाँ से लगभग 14 to 15 किलोमीटर आगे है। तो अभी हम सोलांग वैली को जाते हुए और आज बिल्कुल मौसम बिल्कुल क्लीन है। इस टाइम हम सोलांग वैली पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे देखिए जी काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आया हुआ है, तो यहाँ पे गाड़ी लगाने के लिए पार्क करने के लिए हमें जगह ढूंढनी पड़ रही है। तो ये देखिए आपका लगभग लोग जो सोलांग वैली ग्राउंड है उससे लगभग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर नीचे गाड़ियाँ पार्क की हुई है, क्योंकि ऊपर स्नो है और गाड़ियाँ काफ़ी टूरिस्ट आया हुआ है तो पार्क करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। अभी हमें भी काफ़ी प्रॉब्लम का फेस करनी पड़ रही है। अभी हम लगभग सोलांग वैली पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे हमें गाड़ी पार्क करना काफ़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आ चुका है। तो देखिए गाड़ियाँ दोनों तरफ लगी हुई है, तो प्लीज़ भगवान हमें कहीं पे थोड़ी सी जगह मिल जाए गाड़ी पार्क करने के लिए। तो अभी हम बस जगह ही ढूंढ रहे हैं गाड़ी पार्क करने के लिए, क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए, हम लगभग 12 1 बजे आए हुए हैं, तो अभी बस पार्किंग ही ढूंढ रहे हैं, बस पार्किंग मिल जाए। हम सोलांग वैली जो ग्राउंड है जहाँ पे ऑल एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती है, तो वहाँ पहुँच चुके हैं। ये देखिए आप यहाँ पे टूरिस्ट पैराग्लाइडिंग का मज़ा लेते हुए, चारों तरफ बिल्कुल वाइट स्नो, ऐसा लगता है जैसे हम किसी जन्नत में पहुँच चुके हैं। तो आजकल बर्फ के कारण मनाली में काफ़ी टूरिस्ट बढ़ चुका है, तो इस टाइम हम भी यहाँ पे कैफे में रुके हुए हैं थोड़ा चाय पीने के लिए। तो इसके बाद हम रोपवे से जाएंगे, जो सेकंड स्पॉट है यहाँ पे फातरू, जो काफ़ी फेमस जगह और बहुत अच्छी है। तो इस टाइम देखिए जहाँ यहाँ पे जितना भी टूरिस्ट आया हुआ है इंडिया से, तो सभी पैराग्लाइडिंग का मज़ा लेते हुए, तो मनाली में लगभग 1 वीक हो गया तब से काफ़ी टूरिस्ट बढ़ चुका है, ये सारा स्नोफॉल के कारण है। तो स्नोफॉल का मतलब मनाली में चांदी ही चांदी समझो। ये मेरे दोस्त जो नोएडा से है शिवा भाई, तो मैं इनको और इनकी फ्रेंड को घुमाने लाया हूँ। तो इस टाइम हम रोपवे में देखिए जाते हुए, ये हम लगभग ये फातरू जा रहे हैं हम। तो आप कभी भी सोलांग वैली कभी भी घूमने आओ तो रोपवे में पक्का जाइए, क्योंकि ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है घूमने का और इसमें कुछ अलग ही मज़ा है। ये देखिए बिल्कुल चारों तरफ बर्फ ही बर्फ से ढके हुए पहाड़, रोपवे का अपना ही मज़ा है। इस टाइम हम फातरू पहुंच चुके हैं, तो सोलांग वैली में लगभग नीचे 1/2 फीट के आसपास स्नो थी, लेकिन फातरू में ये देखिए आप लगभग 2 से 3 फीट है। तो यहाँ पे मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि लगभग सोलांग वैली और फातरू में लगभग आप रोपवे से आओगे तो 5 मिनट का रास्ता है, लेकिन यहाँ देखिए लगभग थोड़ी ही हाइट है और स्नो का इतना अंतर काफ़ी बड़ी चीज़ है, क्योंकि सोलांग वैली में तो लगभग 1/2 फीट है, यहाँ पे 2 से 3 फीट है। तो बिल्कुल फ्रेश स्नो, और ये देखिए यहाँ पे लगभग 30% टूरिस्ट ही आया हुआ है रोपवे से, बाकी सारा तो नीचे सोलांग वैली में ही स्नो का मज़ा ले रहा है। ये देखिए 2 से 3 फीट स्नो और हम भी लगभग फातरू में पहुँच चुके हैं। ये देखिए मेरे जो दोस्त आए हुए हैं
दिल्ली नोएडा से शिवा भाई। तो ये अभी बर्फ में काफ़ी खेले, तो अभी इनको काफ़ी ठंड लग रही है। तो ये देखिए, जब भी आप मनाली आओ तो सोलांग वैली फातरू पक्का आइए, क्योंकि एक अलग ही जगह है, बहुत अच्छी जगह है। तो पहले हम नीचे सोलांग वैली ग्राउंड में थे, तो वहाँ पे 1/2 फीट स्नो है और यहाँ पे फातरू में 2 से 3 फीट। तो जब मैंने मेरे दोस्त को बोला कि चलो ऊपर फातरू चलते हैं, वहाँ पे स्नो अच्छी है, तो इन्हें पहले यकीन नहीं हुआ, इन्हें लगा कि शायद यहाँ पे बर्फ काफ़ी कम है। तो जब ऊपर आए तो इनको यकीन करना मुश्किल हो गया कि हम सच में हिमाचल में, मनाली में, या फिर कहीं और दूसरी जगह तो नहीं है। क्योंकि ये देखिए, यहाँ से बिल्कुल ही अलग ही बहुत ही अच्छा व्यू है। तो मैं सभी जो भी मनाली आना चाहते हैं, सभी टूरिस्टों से यही कहता हूँ, जब भी आप मनाली आओ, सोलांग वैली आओ, तो जो फातरू रोपवे से फातरू के लिए पक्का जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको एक अलग ही दृश्य देखने को मिलेगा। मैं खुद आज स्नो का मजा लेते हुए, क्योंकि ये सीजन की फर्स्ट स्नोफॉल है, तो इसका मजा लेना बनता है। ये देखिए पहाड़ों का नजारा। तो अभी लगभग आपका 5 बजे हुए हैं, तो पहाड़ों में एकदम से जैसे ही सूरज ढल जाता है तो एकदम से अंधेरा हो जाता है। तो इस टाइम हमें यहाँ पे खेलते हुए, जैसे जब भी हम यहाँ पे स्नो में आए, जब से आए हुए हैं, तो लगभग हमें 1 आवर्स हो गया, तो पता ही नहीं लगा कि कैसे 1 आवर्स पूरा हुआ। तो मेरा दोस्त, ये देखिए दोस्त, काफ़ी स्नो का मज़ा लेते हुए। तो अभी हमें घर वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड हो चुकी है, लगभग आपका -4 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे इस टाइम। तो अभी जो मेरे दोस्त है वो, अभी हम यहाँ कैफे में हमने ऑर्डर किया पिज्ज़ा, ये वेलेंटिनो कैफे है जो काफ़ी फेमस है। यहाँ पे एक प्योर वेज और इटालियन डिश मिलती है, कोई भी इटालियन खाइए आप। तो अभी हमने बस इसी यहाँ पे थोड़ा सा चाय कॉफ़ी और पिज़्ज़ा खा के वापिस जाना है रोपवे से। तो ये देखिए आपका नज़ारा, और अभी हम वापिस जा रहे हैं, बस 10-15 मिनट में हमने वापिस निकलना है। यहाँ से जो फातरू फातरू जो जगह है सोलांग वैली में, यहाँ से वापिस आने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, हमें वापस घर जाना पड़ेगा, क्योंकि 6 बजे यहाँ पे रोपवे बंद की जाती है। तो इस टाइम 5:15 हो चुके हैं और यहाँ पे काफ़ी ठंड बढ़ी हुई है, लगभग 4 से -6 डिग्री के आसपास यहाँ पे टेम्परेचर है इस टाइम। तो इस टाइम हम गिने चुने, ये देखिए लगभग 8-10 जो टूरिस्ट ही बचे हुए हैं यहाँ पे। तो अब हमने भी वापिस जाना है, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए सामने कैफे जो है, ये वेलेंटिनो है। तो यहाँ पे जो भी मिलेगा आपको प्योर वेज मिलेगा, जैसे जो भी इटालियन डिशेज है, जैसे पिज्ज़ा, पास्ता, बर्गर, कुछ भी। तो इस टाइम हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से कॉफ़ी और हल्का फुल्का फूड खा लेंगे, और फिर वापस रोपवे से वापस सोलांग वैली, जो नीचे ग्राउंड है, ये देखिए रोपवे। तो इससे हम वापस जाएंगे नीचे ग्राउंड के लिए, जो सोलांग वैली ग्राउंड है, जहाँ पे हमारी कार है। तो वापिस जाने का मन नहीं है, लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा। अभी हम रोपवे से सोलांग वैली ग्राउंड के लिए वापिस आते हुए, ये देखिए, क्योंकि लगभग हम ही लास्ट थे बचे हुए, क्योंकि 6 बजे तो रोपवे बंद होता है। तो लगभग जो भी था, हम ही लास्ट टूरिस्ट बचे हुए थे, ये सोचिए आप। मैं तो लुक लूँ। ये देखिए हम वापिस इस टाइम सोलांग वैली, जो नीचे ग्राउंड है, वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे इस टाइम लगभग 20% के, मतलब 30-40 टूरिस्ट ही बचा हुआ है, बाकी सब लगभग वापिस अपने होटल और कॉटेज जा चुके हैं मनाली, जहाँ भी उनके होटल कॉटेज है। तो इस टाइम पहाड़ों में ऐसा होता है कि जैसे ही धूप चली जाती है तो एकदम से अंधेरा हो जाता है। तो हम भी अब अपनी कार के पास जाएंगे और हम भी वापिस ही जा रहे हैं, क्योंकि शाम को बस थोड़ा सा रिस्की ये होता पहाड़ों में कि रोडों में आइस जम जाती है और काफ़ी स्लिपरी रास्ता हो जाता है। तो अब हम भी वापिस जा रहे हैं मनाली। अभी हम लगभग आपका सोलांग वैली से 5 किलोमीटर नीचे आ चुके हैं, तो एकदम से ये देखिए अंधेरा हो गया। तो अभी हम घर जा रहे हैं मनाली वापिस, जहाँ पे मेरा गेस्ट हाउस है छोटा सा। तो अभी ये देखिए पहाड़ों में एकदम से अंधेरा हो जाता है, ये देखिए बिल्कुल ही